राजस्थान के भरतपुर में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। ट्रक की टक्कर से बस में सवार लगभग 11 लोगों की मौत की खबर सामने आई। बहुत भयानक यह हादसा रहा। हादसे में 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। गुजरात से मथुरा की तरफ यात्रियों से भरी बस जा रही थी, लेकिन भरतपुर के नजदीक ये बड़ा हादसा हुआ है। तस्वीरें उस अस्पताल की है जहाँ पर घायलों को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। राजस्थान के भरतपुर में ये बड़ा हादसा हुआ है। ट्रक की टक्कर हुई थी बस से। अब सोचिए कि कितना भयानक ये हादसा रहा होगा जिस दौरान ये टक्कर हुई होगी। 11 लोग मर गए एक हादसे में और जो घायल हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं। उनको होश आएगा और उस स्थिति में होंगे तो ये बता पाएंगे कि हुआ क्या था, असल में कैसे ये हादसा हुआ, किसकी लापरवाही थी, क्या वजह थी इस हादसे की। क्योंकि ट्रक और बस की टक्कर होना, अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बहुत भयानक टक्कर हुई होगी, तभी तो 11 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बाकी लोग जितने भी घायल हैं वो अस्पताल में अपना इलाज फिलहाल करवा रहे हैं। 12 लोग ऐसे बताएंगे जो गंभीर रूप से घायल है, जिनकी हालत अभी ठीक नहीं है। पुलिस छानबीन कर रही है इस पूरे मामले की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हादसे पर दुख भी व्यक्त किया है और उन्होंने ये अपने ट्वीट में, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के पोस्ट में लिखा भी है कि वाहन और बस के बीच टक्कर हुई है, 11 लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया उन्होंने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद था और घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। उनकी ओर से इस पर नज़र भी लगी हुई है, ये बात अशोक गहलोत बताते नजर आए हैं। इसके साथ ही इस पूरे हादसे पर गुजरात सरकार की भी नज़र है, क्योंकि गुजरात के रहने वाले कुछ लोग बताए गए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। यह अशोक गहलोत का फिलहाल ट्वीट है और भूपेंद्र पटेल ने भी इस पर सीधे सीधे कहा है कि हम आर्थिक मदद देंगे, सहायता राशि देंगे मृतकों के परिजनों को, और साथ ही उन्होंने अपनी ओर से कहा है कि घायलों को भी इलाज के लिए हम सहायता राशि देंगे, 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है गुजरात के मुख्यमंत्री की तरफ से भी, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा रहा, 11 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा पीएमओ की तरफ से भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया गया है। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया है और साथ ही केंद्र की ओर से भी मृतकों के परिजनों के लिए सहायता राशि का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। घायलों को 50-50 हज़ार रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की गई है। ये आप देख सकते हैं पीएमओ इंडिया का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट, और इस पोस्ट में लिखा गया है कि दुख व्यक्त किया जाता है इस हादसे पर, और आगे लिखा गया है कि सहायता राशि भी दी जाएगी मृतकों के परिजनों को, और जो घायल हुए इस हादसे में उनको भी सहायता दी जाएगी।